थ्री डिफरेंट पार्ट में ब्रेक किया हुआ होगा द एरर इफ एनी विल बी इन एनी वन पार्ट ऑफ देंटेंस मतलब कि जो एरर हमें फाइंड करना है वो किसी एक पार्ट में होगा सेंटेंस के सेलेक्ट द ऑप्शन सिलेक्ट दिटेंस दार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर मतलब आपको ऐसा पार्ट सेलेक्ट करना है जिसमें एरर होगा एंड ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग का एरर हो सकता है ग्रामेटिकल भी एरर हो सकता है या कंटेक्चुअल भी एरर हो सकता है एंड इफ देर इज नो एरर चूज ऑप्शन डी एंड इफ द सेंटेंस एरर फ्री मतलब उस सेंटेंस गिवन सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है देन यू शुड चूज ऑप्शन नंबर डी दैट इज नो एरर सो लेट्स बिगिन एज यू कैन सी दिस सेंटेंस इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ए बी सी में डिवाइड कर दिया गया है एंड लास्ट ऑप्शन आपके पास नो no एरर है सो so आपको यहां पर बताना है कि इसके कौन से पार्ट में एरर है सो so देखिए यहां पर क्या सही आंसर हो सकता है

इन ग्लोबल जी एच जी एमिश अबाउट जो लाया गया था किसके द्वारा बाई द्वारा जो महामारी आई थी उसके द्वारा है कंट्रीज अब यहाँ पर ये यह हैव हाँ वर्ब है एंड सेंटेंस में uh, जितने भी वर्ब्स यूज किए जाते हैं उन वर्ब्स का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है सो so यहाँ पर अगर बात करेंगे इस हैव हाँ वर्ब के सब्जेक्ट की सो so यहाँ पर ये यह हैव हाँ वर्ब का सब्जेक्ट एमिशन बिल्कुल भी नहीं है इस है सब्जेक्ट यहाँ पर है द ब्रीफ रिडक्शन एंड ये जो ब्रीफ रिडक्शन की बात की जा रही है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है प्लुरल नहीं है एंड वर्ब शुड फॉलो दब्जेक्ट सो यहाँ पर एज पर दिवन सब्जेक्ट दिस वर्ब शुड बी सिंगुलर मतलब की हैज होना चाहिए बिकॉज दिस रिडक्शन या ब्रीफ रिडक्शन की बात करें दिस सिंगुलर सब्जेक्ट सो ये जो वर्ब होगा ये वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर होगा क्योंकि ये वर्ब एमिशन के लिए नहीं यूज किया गया है ये वर्ब यहाँ पर इस रिडक्शन वर्ड के लिए यूज किया गया है सो इट शुड बी हैज नॉट हैव सो पार्ट बी इज एरर बिकॉज यहां पर यह हैव नहीं होगा क्या होगा हैज नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स चेक गाइस दैग्निट्यूड अब यहाँ पर देखेंगे द का यूज किया गया है एंड द इस मैग्निट्यूड के लिए सो मैग्निट्यूड यहाँ पर क्या है एक नाउन है जिसका मतलब क्या होता है अ uh, किसी uh, कह सकते हैं कि कोई चीज कितने लेवल तक है कितने एक्सटेंट तक है इसे हम कह सकते हैं एक्सटेंट ये साइज कह सकते हैं सो ये जो शेयर शेयर मतलब यहां पर ये यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है मतलब होता है कंप्लीट सो जो कंप्लीट जो साइज uh, था एक्सटेंड था मैग्नीट्यूड था किसका कोविड नाइनटीन पैंडेमिक पैंडेमिक मतलब महामारी सो so, यहां तक तो ये बिल्कुल सही है द शियर मैग्नीट्यूड ऑफ कोविड नाइन्टीन पैंडमिक मतलब ये जो पैंडेमिक महामारी थी इसका जो एक्सटेंड था साइज था लाइक एवरीबडी एल्स इन दर्ल्ड डिड स्टार्ट ऑल ऑफ अस इन इंडिया मतलब ये जो पैंडेमिक था महामारी थी इसने सभी को क्या कर दिया था स्टार्ट एंड स्टार्ट मतलब हम इसे कह सकते शॉक कर दिया था एस्टॉनिश कर दिया था सो so, दुनिया में जैसे कि सभी लोग इससे एस्टॉलिश थे इंडिया में भी हम सारे क्या हो गए थे शॉक हो गए थे इससे सो so, यहाँ पर हमने देखा डिड है एंड डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉलो होता है सो इट शुड बी वी वन दैट इज इट शुड बी स्टार्ट नॉट स्टार्ट हमेशा याद रखना है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना कि पास्ट फॉर्म सो द एर इज इन पार्ट सी नेक्स्ट क्वेश्चन So let's check guys. India is ready and pretty much.

ऑन अ पार विथ एंड ऑन अ पार विथ जिसका मतलब होता है द सेम एज या हम इसे कह सकते हैं वेल मैच विथ क्या हम कह सकते हैं मच द सेम एज मतलब किसी चीज के बिल्कुल समान सेम सो यहाँ पर बोलेंगे सॉरी हाँ यहां पर मैं बात कर रही थी इस फ्रेज की एंड ये फ्रेज होता है ऑन अ पार विथ सो यहाँ पर ऑफ कोर्स एरर है इट शुड बी ऑन अ पार विथ सो एरर यहां पर हो गया है लेकिन मुझे इस सेंटेंस में और एक एरर दिखाई दे रहा है सो so, देखते हैं ऑन अ पार विथ द वर्ल्ड टू रोल आउट टू रोल आउट मतलब निकालने के लिए इन्वेंट करने के लिए वन ऑफ दी लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम एंड यहाँ पर देखिए अगेन एक रूल फॉलो वन ऑफ दी एंड वन ऑफ दी जब भी आता है तब यहाँ पर एडजेक्टिव हमेशा कैसा होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री एंड लार्ज लार्जर लार्जेस्ट मतलब ये अपनी सुपरलेटिव फॉर्म ही में ही है मतलब ये बिल्कुल सही है एंड इसके बाद जो नाउन आता है ये नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए नाउन हमेशा प्लूरल में होना चाहिए सो इट शुड बी प्रोग्राम सो यहाँ पर भी एरर है तो so, जहां से मैंने ये सेंटेंस लिया है शायद उस न्यूज़पेपर में ये गलत दिया हुआ था क्योंकि कभी कभार न्यूज़पेपर में आ, कुछ इंग्लिश कभी कभार आगे पीछे मतलब हो जाती है सो इट शुड बी ऑन अ पार विथ नॉट ऑन पार विथ तो यहाँ पर भी एरर है एंड यहां पर भी एरर है बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आ, अगर आ, एंटिल एंड अनलेस आपको कि इंस्ट्रक्शन में मतलब डायरेक्शन में नहीं दिया है कि मोर देन टू पार्ट्स में एरर है तब तक नहीं हो पाता यहाँ पर हमने हमारी जो डायरेक्शन थी जो हमने रीड करती एंड the एस पर द देर इज एरर ओनली इन वन पार्ट लेकिन यहाँ पर ये हो चुका uh, हो गया है गलती से सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यहाँ पर भी एक एरर है एंड आई होप आप समझ गए हैं कि ऑन अ पार विथ का मतलब होता है द सेम एस या वेल पर बोला जा रहा है, one of the मतलब ऐसे बहुत सारे सपोज हंड्रेड वैक्सीन प्रोग्राम है तो हंड्रेड वैक्सीन प्रोग्राम्स में से किसी एक वैक्सीन की बात की जा रही है एक वैक्सीन प्रोग्राम की सो हंड्रेड वैक्सीन प्रोग्राम होंगे ना प्रोग्राम सो आई होप आपको समझ में आ गया सो so, एरिजन हम मार्क कर देंगे इस सी पार्ट को क्योंकि एरर यहां पर था एंड ये शायद बाई मिस्टेक हो गया है नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस चेक गाइस लास्ट मंथ फेसबुक ओन व्हाट्सअप हैज रिसीव्ड अप्रूवल इसे अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से फॉर रोलिंग आउट इट्स पेमेंट सर्विसेस इन इंडिया सो so, पर देखते हैं लास्ट मंथ एंड लास्ट मंथ एक एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है ऐसा एडवर्ब जो हमें पास्ट टाइम के बारे में बताता है ऐसा टाइम जो बीत गया लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट संडे इस तरीके के वर्ड्स ये सारे एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम होते हैं फेसबुक ओन व्हाट्सएप फेसबुक ओन व्हाट्सएप है हैज रिसीव्ड अप्रूवल फेसबुक ओन व्हाट्सएप को क्या है अप्रूवल मिल गया है सो so, पर हम देखेंगे ये एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस है एंड जब भी एडवर्ब ऑफ पास्ट टेंस किसी सेंटेंस में आता है वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट में होता है सो so, यहां अगर देखेंगे हैज के साथ ये ये मतलब कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है बट ड्यू टू दिस एडवर्ब ऑफ पास्ट वर्ड दिस सेंटेंस शुड बी इन सिंपल पास्ट सो यहां पर ये सिर्फ रिसीव्ड होगा यहां से ये जो है एज सॉरी हैज होगा ये एलिमिनेट हो जाएगा सो हियर एरर इज इन पार्ट ए नेक्स्ट क्वेश्चन का यूज किया गया है नाउन के, के लिए ही हम आर्टिकल द का यूज करते हैं यहाँ पर प्राइमरी एडजेक्टिव बन जाएगा द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर किस लिए प्रमोशन के लिए अगेन ये नाउन है ऑफ क्या ऑफ वॉट ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल मतलब जो हमारे परंपरागत जो स्पोर्ट्स है ट्रेडिशनल का हिंदी मीनिंग होता है परंपरागत सो so स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है शुड रेस्ट ऑन शुड रेस्ट ऑन रेस्ट ऑन मतलब डिपेंड ऑन या ऑन 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 जिसका जिसका मतलब मतलब होता होता है 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 रेस्ट पर ये एक फ्रेजल वर्ब बेस्ड या डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन किस पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम करिकुलम का ही एक पार्ट होना चाहिए एज अ सीरियस स्पोर्टिंग एक्टिविटी एंड अरेस्ट इट्स है सो so, यहां पर इस सेंटेंस में अगर देखे तो सारे के सारे पार्ट बिल्कुल सही है सो दिस दिस सेंटेंस कंटेंस नो एरर, सो ऑप्शन नंबर डी वुड बी दी करेक्ट चॉइस नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन गेम्स रिक्वायर अब यहां पर बात कर रहे हैं इंडियन गेम्स की एंड इंडियन गेम्स यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है प्लूरल है इसलिए यहाँ पर ये यह जो वर्ब है ये वर्ब भी यहाँ पर कैसी है प्लूरल है so यहां सो यहाँ से कोई एरर नहीं है द इंडियन गेम्स रिक्वायर मिनिस्कल म्यूनिस्कल मतलब क्या होता है बहुत छोटा या टाइनी कह सकते हैं मोनिट्री हेल्प बिल्कुल सही है मिनिस्कल मोनिट्री हेल्प एंड दिस मच द इंडियन कॉरपोरेट एंड इतना ही द इंडियन कॉर्पोरेट वुड सॉरी वर्ल्ड कुड एफोर्ड एंड इतना ही इंडियन कॉरपोरेट क्या कर सकती है एफोर्ड कर सकती है सो अगर बात करें सेंटेंस की यह सेंटेंस हमें प्रेजेंट टेंस में दिखाई दे रहा है इथ द इंडियन गेम्स रिक्वायर यहां पर देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड यूज किया गया है प्रेजेंट टेंस में रिक्वायर म्यूनिस्कल मॉनिटरी हेल्प एंड दिस मच द इंडियन वर्ल्ड कुड एफोर्ड नहीं होगा यहां पर होगा कैन अफोर्ड बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस एंड जब भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा सो so सारे वर्ब प्रेजेंट में आएंगे एंड यहां पर ये यह कुड एक हेल्पिंग वर्ब है सो दिस शुड ऑल्सो बी इन प्रेजेंट टेंस सो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर सी में है इट शुड बी कैन नॉट कुड नेक्स्ट क्वेश्चन

जो मतलब हर एक वर्ब जो सेंटेंस में यूज किया होता है उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है एंड इस वर्ब का सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट्स है एंड एस्ट्रोनॉट्स आपको दिखाई दे रहा है कि ये कैसा सब्जेक्ट है प्लुरल है किसी एक एस्ट्रोनॉट की नहीं यहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स की बात की जा रही है सो so, यहाँ पर ये यह जो वर्ब होगा ये वर्ब भी यहाँ पर प्लुरल फॉर्म में होना चाहिए सो so, यहाँ पर ये यह हो जाएगा कम ना कि कम्स बिकॉज ये वर्ब है एंड एस लगने पर यह प्लूरल बनता है सो so, इसके एस को जब हम हटा देंगे सो so, तब यहाँ पर ये यह हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में जैसे कि अगर बात करें राइट्स तो राइट्स यहाँ पर होता है सिंगुलर एंड इसका प्लूरल फॉर्म बनता है यहां पर राइट प्लेज यहां पर होता है सिंगुलर एंड यहां पर प्ले बनता है इसका प्लूरल फॉर्म क्योंकि ये एक वर्ब है ये एक एक्शन वर्ड है ये एक क्रिया है इस, इस को नाउन से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि नाउन में जनरली पेन का प्लुरल पेन्स होगा बॉय का प्लुरल बॉयज होगा लेकिन ये क्योंकि ये वर्ब है वर्ब में एस लगने पर सिंगुलर बनता है एंड एस हटने पर ये प्लूरल फॉर्म बनता है मतलब कि अगर ही आता है तो राइट्स ही प्लेज शी प्लेज इस तरीके से हम इट के लिए भी ये सारे सिंगुलर यूज करते हैं लेकिन जब प्लूरल आता है मतलब कि दे आता है मतलब कि वी आता है तब हम ये सारे वर्ब यूज करते हैं एंड आई का यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है आई के लिए हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं सो so ये दिस इज एन एक्सेप्शन बाकी सारा फिर प्लूरल के लिए हम ये सारे वर्ब यूज करते हैं एंड सिंगुलर के लिए ये वाले सो आई होप आपको समझ में आ गया इन पार्ट बी इट शुड बी कम नॉट कम्स

पर्टिकुलर थिंग में या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर किसी पीरियड में एंटर करना उसे हम यहाँ पर एंटर इनटू का यूज कर सकते हैं सो एंटर इनटू अ गोल्डन एज ऑफ वैक्सीनोलॉजी बिल्कुल सही है बाय हैविंग कैसे बाय हैविंग दीज टाइप ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज एंड यहां पर ये टाइप गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर दीज एंड ये टी एच आई एस दिस का प्लुरल है सो यहाँ पर इसके लिए ये जो होगा ये टाइप होगा नाकिड टाइप हो गया I uh, think we enter into a golden age of vaccinology by having these types of new technology. So it should be types, not key type. So error is in part B. Next question. So let's check, guys. The company had. द कंपनी ने क्या किया था फ्रॉड किया था डिग फ्रॉड किया था हैड के साथ बिथरी बिल्कुल सही है मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब कि ट्वेंटी फाइव ज्यादा से मोर देन यहां पर ये यह भी सही है मोर देन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन्वेस्टर्स बिल्कुल सही है फ्रॉम अक्रॉस दी कंट्री पूरे कंट्री से यस yes, ये भी सही है बाय प्रॉमिसिंग क्या प्रॉमिस करके बाय प्रॉमिसिंग ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न एंड एरर जो है ये ऑप्शन नंबर सी में है बिकॉज पर बोला क्या जा रहा है कि कंपनी में कंपनी uh, ने किस बेस पर लोगों से uh, मतलब किस बेस पर डिफ्रॉड किया लोगों से कि हम आपको क्या देंगे बहुत ज्यादा प्रॉफिट देंगे यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है एंड ये जो रिटर्न वर्ड है रिटर्न मतलब होता है लौटना ना सो so ये रिटर्न नहीं होगा यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा रिटर्न रिटर्न मतलब क्या होता है प्रॉफिट कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे आप इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में इस तरीके से लोगों को बोलकर क्या किया था डिफ्रॉड किया था फ्रॉड किया था उनके साथ सो एट इज इन पार्ट सी इट शुड बी रिटर्न रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट एंड यहां पर ये यह जो रिटर्न है ये होता है लौटना नेक्स्ट क्वेश्चन So let's check guys. अब यहां पर बात करें इट शोज योर इंक्लाइनेशन मतलब इट ये दिखाता है आपका इंक्लाइनेशन इंक्लाइनेशन का मतलब होता है आपका झुकाव सो इट है इट के साथ नाउ सॉरी uh, जो वर्ब यूज किया ये सिंगुलर फॉर्म में बिल्कुल सही है योर इंक्लाइनेशन आपका जो झुकाव है कहाँ पर टू वर्ड लिटरेचर टू वर्ड नहीं होगा यहाँ पर जो सही होगा ये होगा टू वर्ड्स टू वर्ड्स लिटरेचर टू वर्ड यहाँ पर बिल्कुल गलत वर्ड है एंड आर्ट्स एज यू हैव सेट सो एज इन पार्ट बी इट शुड बी टू वर्ड्स

एर एक्चुअली है बोला एक पहले देख लेते सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है यहाँ पर कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अल्दी इम्यून सिस्टम मतलब हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन करने के बावजूद भी डिस्पाइट uh, ऑफ मतलब हमें पता है कि हेल्दी इम्यून सिस्टम मेंटेन करने का इम्पोर्टेंस क्या है इसके बावजूद भी फ्यू ऑफ़ अस आर अवेयर कि कुछ लोगों को यह भी पता है कि क्या हमें minute minute क्या चेंजेस करने करने हैं हमारे डाइट में टू अचीव द राइट बैलेंस इन अवर डाइट सो यहां देखेंगे डेस्पाइट एंड डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं किया जाता डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद एक्चुअली डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते लेकिन इस प्लेस पर अगर यूज करते हैं हम इंस्पाइड का तब इंस्पाइड के साथ हमेशा ऑफ का यूज किया जाएगा एंड डिस्पाइट के साथ कभी भी यहां पर ऑफ का यूज किया नहीं जाता एंड दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि बावजूद या बावजूद सो एर इज इन पार्ट ए इम्पोर्टेंट so imperative. Imperative मतलब दैट क्या one concerns, one यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है सो वर्ब ऑल्सो इज इन सिंगुलर फॉर्म कंसल्ट अस्ट न्यूट्रिशनिस्ट यहाँ पर नाउन है इसीलिए यहां पर आर्टिकल ए का यूज किया गया है मतलब समझ लेना है आपको कि जब भी आर्टिकल अंड द का यूज किया जाता है मतलब नाउन है अ न्यूट्रनिस्ट ऐसा न्यूट्री जो न्यूट्रनिस्ट जो वेल एक्सपीरियंस्ड है काफी अच्छा एक्सपीरियंस है किसमें इन डीलिंग इन यहाँ पर प्रिपोजिशन है इसके बाद वर्ब की एनजी फॉर्म बिल्कुल सही है इन डीलिंग क्या विथ बोथ मेंटल एज वेल एज फिजिकल वेलनेस सो यहाँ पर अगर बात करें इस बोथ वर्ड की एंड हमेशा याद रखना है जब भी आएगा बोथ बोथ के साथ जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एंड होता है सो एरर इज इन पार्ट सी दिस शुड बी एंड नॉट एज वेल एज Dealing with both mental and physical wellness. So, as in part C, this should be and. Next question. So, let's check. Some shining examples of how the right advice can usually benefit patients can be seen in hospitals treating COVID 19 patients across the country. So, here some shining examples. Shining matab, examples, but examples.

कर रहा होता है तब एडीवीआईसी का यूज किया जाता है सो इट शुड बी एडीवीआई सीई सो इज इन पार्ट ए नेक्स्ट क्वेश्चन डिड so relying. Relying मतलब होना रिलायं नॉट जस्ट सिर्फ जस्ट ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट यहां तक बिल्कुल सही है पेशेंट्स आर रिलायंग नॉट जस्ट ऑन द मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही डिपेंड uh, नहीं हो रहे पेशेंट्स बट डायटरी मॉडिफिकेशन मतलब डाइट में जो मॉडिफिकेशन है या ये सारी चीजें भी कर रहे हैं सो so यहाँ पर अगर बात करें ये नॉर्ट जस्ट की एंड जब भी नॉर्ट जस्ट आता है इसके साथ हमेशा बट ऑल्सो होना चाहिए सो एरर ऑब्वियसली इस भी पार्ट में है इट शुड बी बट ऑल्सो स्ट के साथ ये जो दूसरा फ्रेज होगा ये बट ऑल्सो से शुरू होगा या कनेक्ट करेगा सो बट ऑल्सो डायट्री मॉडिफिकेशन टू प्रमोट बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ सो एर इज इन पार्ट बी आई होप आप समझ गए जैसे कि मैंने आपको एक प्रीवियस वन ऑफ दीवियस क्वेश्चन में बताया था कि बोथ जब भी आएगा इसके बाद एंड ही फॉलो होता है वैसे ही नॉट जस्ट के बाद बट ऑल्सो का यूज किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सो लेट्स चेक गाइस इट वुड ओनली बी फेयर मतलब ये कहना ये चीज तब ही फेयर होगी फेयर मतलब सही होगी टू से मतलब ये कहना तभी फेयर या सही होगा टू से दैट की जो बेस्ट मंत्र है फॉर अ हेल्थी लाइफ हेल्दी लाइफ के लिए इज दैट Uh, क्या होता है बेस्ट मंत्र हेल्दी लाइफ के लिए वी मस्ट ईट राइट कि हमें राइट right, uh, right खाना चाहिए सही चीज खानी चाहिए कैसे बाइट बाय बाइट सो यहां पर इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा सारे पार्ट्स बिल्कुल ग्रामेटिकली कंटेक्सुअली एंड स्पेलिंग में भी कोई एरर नहीं है सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट इज नो एरर सो थैंक यू वेरी मच गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो थैंक यू वेरी मच